प्रधानमंत्री का आह्वान और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इंडिया रिस्पांस केंद्र गोरखपुर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान का कार्यक्रम रामगढ़ताल निकट सर्किट हाउस के पास स्थित जल जेट्टी के पास आयोजित किया गया और लगभग 1 टन सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा निकाला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम का शुरुआत देश भर में शुरू हो गया है। इसी क्रम में एनडीआरएफ के रिस्पांस केंद्र गोरखपुर, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान के रूप में रामगढ़ताल झील स्थित जल जेट्टी और लाइट एंड साउंड सिस्टम के पास सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में एनडीआरएफ एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनएनसी के कैडेट, नेहरू युवा केंद्र और भारत मिशन के 9 युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर साफ सफाई के अभियान में भाग लिया। इस दौरान प्लास्टिक वेस्ट श्रमदान भाग लेने वाले लोगों को स्वच्छता का शपथ दिलवाया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से एडीएम फाइनेंस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री का आह्वान किया था कि 11 सितंबर से हमारे पास जो भी एक बार प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक है उसको एकत्र करेंगे और ये एक महाअभियान की तरह होगा और 1 अक्टूबर तक हम जन जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे और बताएंगे कि एक बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक हैं उसको एकत्र कर लें। साथ ही एनडीआरएफ के क्षेत्रीय प्रमुख डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा ने बताया कि रामगढ़ताल किनारे सिंगल यूजेस प्लास्टिक का कचरे का सफाई किया, जहां से एनडीआरएफ जवानों, सहयोगी संस्थानों के लोगों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में रामगढ़ताल से प्लास्टिक के कचरे निकाले गए। इस मौके पर एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनसीसी के कैडेट, नेहरू युवा केंद्र और भारत मिशन के 9 युवक युवतियाँ मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुनी से बात करते हुए एनडीआरएफ के क्षेत्रीय प्रमुख डिप्टी कमांडेंट पीएल शर्मा और एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने कहा, हम लोग भी जुड़ ले ये बीचों में नो ग्रीन दिखाई पड़ रही, अभी नहीं दिखाई पड़ रही, और राइट में अरे वो सामने दिखाई पड़ रहा है, यहाँ हमारे पास आई, ये बीच में जहाँ पिलर है वो दिखाई पड़ रही है। हाँ शाबाश, ना निकल पाए तो झाड़ी में कूद जाए। शाबाश शाबाश, हाँ जहाँ पे मिल रहा है आप देखें, यहाँ इस घाट पर आने वाले लोग, रामगढ़ताल पे आने वाले लोगों ने आराम से, अभी आराम से, अभी एक स्थल बाकी है जहाँ हमें काम करना है, वो है ये भी उलट दे सर। पाउच पड़े हुए हैं यहाँ पे, उसको भी हम लोग क्लीन कर देंगे, जो उलट देंगे इसको भी। कितना अधिक निकला हम लोगों ने एकत्र कर दिया, शपथ शपथ के बाद राष्ट्रगान होगा, शपथ करेंगे दोबारा। सुबह लिया था सबको मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से इसका पालन करना है। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ, मैं स्वयं
स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उनका कारण यह है कि यहाँ वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता के लिए बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये सभी फोटो गौतम गुप्ता जी के, पूरा एक ग्रुप नहीं आएगा ना, आप बताएं प्रोटेक्ट नहीं आएगा। वो बोट ले लीजिए, बोट लेके आइए। नहीं नहीं नहीं, आज रामगढ़ ताल के किनारे हमने स्वच्छता ही सेवा के थीम के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने एक सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री करने के लिए आह्वान किया था, उसी के मद्देनज़र हमने एक प्रोग्राम चलाया था। इस ड्राइव में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF और स्टेक होल्डर मिल के हमने पूरा एक साइड से लेकर दूसरे साइड तक जितना भी प्लास्टिक था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक था, उसको एकत्रित किया है और फर्दर इसको हम जो डिस्पोजल का मोड है उसमें करेंगे। इस सब को हम 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ है उसके ऊपर मनाया जा रहा है और उसी के ऊपर हमने ये एक ड्राइव चलाई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आज 11 सितंबर 2019 से जो भी आपके आसपास एक बार प्रयोग में आने वाला प्लास्टिक है उसको हम एकत्र करेंगे और यह एक महाअभियान की तरह होगा। आज 11 सितंबर से यह प्रारंभ है और 1 अक्टूबर तक यह चलेगा। इस दौरान हम जन जागरूकता फैलाएंगे, स्वयं भी कार्य करेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि आपके आसपास आपके क्षेत्र में अगर कहीं पर भी एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक है उसको आप एकत्र कर दें। और फिर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जब आपके पास 10 टन प्लास्टिक एकत्र हो जाएगा उनकी गाड़ियां आएंगी और इस प्लास्टिक को ले जा करके रिसाइकल कर देंगी या अपने फर्नेस में जला करके ईंधन के रूप में इसका प्रयोग कर देंगे। सर, कौन कौन सी टीमें आपके सपोर्ट में रही और कहां पे किया गया? आज हम लोगों ने रामगढ़ ताल पे यह कार्य किया है और लोगों का भी आह्वान कर रहे हैं और प्रयास ये करेंगे कि 1 अक्टूबर तक इस क्षेत्र को एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक से मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, कर भी दिया जाए। आज इस पूरे कार्यक्रम में NDRF, NCC, NYK, DDU, भारत सेवा मिशन तथा अन्य जो जन लोग थे वो सम्मिलित हुए और सब ने बहुत ही मन लगा के कार्य किया और मुझे लगता है लगभग 1 टन से ऊपर प्लास्टिक हम लोगों ने एकत्र कर दिया है।